हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मीशो वर्सेस मिंत्रा हाउस शेयर करने वाली हूँ। मैंने ये दो साड़ियाँ मीशो एंड मिंत्रा से परचेज की हैं। इन साड़ियों में क्या डिफरेंस है, क्या नहीं, फैब्रिक क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या नहीं, तो सब कुछ मैं आगे चल के आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये है वो साड़ी जो मैंने मीशो से परचेज की है, और ये है वो साड़ी जो मैंने मिंत्रा से परचेज की। आज मैं इन्हीं का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मिंत्रा के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और तो हमें ऐसा लगता है कि इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हम खरीद नहीं पाएंगे, और से वैसे ही प्रोडक्ट्स हमें मीशो पे भी दिख जाते, लेकिन हमारे मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि उसकी क्वालिटी सेम मिंत्रा वाले प्रोडक्ट जैसी होगी या नहीं। सो उसी के लिए आज मैंने ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो ये है वो साड़ी जो मैंने मीशो से परचेज की है। इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जाके ज़रूर से चेकआउट कर लीजिए। उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी साड़ी है, और ये है वो साड़ी जो मैंने मिंत्रा से परचेज की है। देख सकते हैं आप, ये मीशो, ये मिंत्रा, मीशो मिंत्रा, दोनों ही साड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मैंने इन्हें अलग अलग कलर में परचेज किए हैं, देख सकते हैं आप। दोनों सेम ही कलर लेके मैं क्या करूँगी, अलग अलग कलर हो तो ज़रा अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं आप, ये मिंत्रा वाली साड़ी है। इससे शुरू करते हैं हम। ये मिंत्रा वाली साड़ी का पल्लू है, मरून कलर का इसका पल्लू है। सॉरी, इनका पकड़ा ही नहीं। एक देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिच लुक पल्लू है, और पल्लू पे इस तरह का ये जो आपको दिख रहा है, ये धागे से बनाया हुआ वर्क है। देख सकते हैं आप, कितना रिच लुक दे रहा है इस पल्लू को, और इस तरह के टेसल्स बनाए हैं पल्लू पे, क्योंकि इसकी शान को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। रिवर्स साइड से इसकी फिनिशिंग देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग है। तो ये रहा पल्लू साड़ी का, और ये है इस साड़ी का ऊपर वाला बॉर्डर। बॉर्डर पे भी सेम उसी तरह के धागे का इन्होंने वर्क बनाए हैं, काफ़ी खूबसूरत है। और ये है नीचे वाला बॉर्डर, नीचे वाले बॉर्डर पे भी सेम वर्क है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और बीच बीच में पूरी साड़ी पे इस तरह के पिकॉक बने हैं, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ये पिकॉक। रिवर्स साइड से इन पिकॉक की फिनिशिंग देखिए, काफ़ी अच्छी है, हमें ये चुभने वाला नहीं है। और साड़ी का फैब्रिक भी काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छे से ड्राप करके पहन सकते हैं आप। अब मैं आपको मीशो वाली साड़ी बताती हूँ। मीशो वाली साड़ी का भी सेम ही पल्लू है, देख सकते हैं आप, सेम मिंत्रा वाली साड़ी जैसा पल्लू है। मैं आपको दिखाती हूँ मिंत्रा वाली साड़ी का पल्लू। ये है मिंत्रा वाली साड़ी, और ये मीशो वाली, देख सकते हैं आप। दोनों साड़ियों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है फ्रेंड्स, बाकी फैब्रिक वाइज, क्वालिटी वाइज दोनों ही साड़ियाँ सेम ही हैं। बस एक फ़र्क इतना है कि इसका प्राइस, मीशो वाली साड़ी का प्राइस थोड़ा कम है, और मिंत्रा वाली साड़ी का प्राइस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये आप मीशो वाली साड़ी परचेज कर सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और जिन्हों को ऐसा लगता है कि मीशो के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते, वो मिंत्रा वाली भी परचेज कर सकते हैं। तो आपको जो पसंद आए वो आप परचेज कर सकते हैं। देखिए, ये मीशो वाली साड़ी का ऊपर वाला बॉर्डर है, और ये है नीचे वाला बॉर्डर। दोनों ही साड़ियों के बॉर्डर पे सेम ही वर्क दिया है, और ये देख सकते हैं आप, ये मीशो वाली साड़ी है, इस पर भी सेम ही पिकॉक बने हैं। मिंत्रा वाली साड़ी पे जो बनाए थे वो भी मैंने आपको दिखाए हैं, सेम ही है, बस
थोड़ा सा कलर का डिफरेंस एंड प्राइस का डिफरेंस है, बाकी क्वालिटी वाइज दोनों ही साड़ियाँ सेम है। देख सकते हैं आप, ये मीशो वाली, ये मिंत्रा वाली, देखिए दोनों ही सॉफ्ट साड़ी है। और आपको ये ट्राई ऑन हॉल भी दिख रहा होगा कि ये दोनों साड़ियाँ पहनने पर कैसी लगती हैं। पहनने पर भी दोनों साड़ियाँ काफ़ी अच्छी तरह से रैप हो जाती हैं, फूलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही पैटर्न सिल्क साड़ियाँ हैं, ये सेम ही पैटर्न। देखिए मीशो वाली साड़ी है, पूरी ही साड़ी में इसी तरह की छोटी छोटी वूवन की पिकॉक वाली बूटियाँ दी हैं। आपको मिंत्रा वाली बताती हूँ, मिंत्रा वाली साड़ी में भी आप देख सकते हैं पूरी साड़ी में इसी तरह की वूवन की पिकॉक वाली बूटियाँ दी हैं। दोनों ही साड़ियों का फैब्रिक सेम है, क्वालिटी भी सेम है, सिर्फ कलर अलग अलग है। आपको चाहे तो मीशो पे ये कलर मिल जाएगा और मिंत्रा पे ये कलर भी मिल जाएगा। दोनों में बहुत ज़्यादा कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सिर्फ इन दोनों में सिर्फ प्राइस का डिफरेंट है, बाकी सेम है। फैब्रिक वाइज सेम है, कलर भी इसमें बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, शाइन वाइज भी सेम है। इसमें भी अच्छी खासी शाइन है और इस साड़ी में भी अच्छी खासी शाइन है। तो आपको जो भी पसंद आए वो आप परचेज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसका प्राइस ये मुझे अंडर 1000 रुपीज़ में मैंने इसे परचेज़ किया है, और ये मीशो वाली जो ये मिंत्रा वाली जो है ये मुझे अंडर 2000 रुपीज़ के अंदर मैंने इसे परचेज़ किया है। तो सो फ्रेंड्स, आपको जो भी पसंद आए वो आप परचेज़ कर सकते हैं, दोनों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तब तक के लिए बाय।